हाँ जी, तो क्या हुआ, एक बार ना हम लोग गए गोवा। तो मैं मतलब घूमने फिरने का शौकीन तो हूँ ही बहुत ज़्यादा। एंड क्या हुआ कि मैं दोस्तों के साथ गोवा चले गए, तो वो लोग रुके हुए थे साउथ गोवा में। तो मैं गया तो साउथ गोवा क्या जाना है, नॉर्थ गोवा चलते हैं, वहाँ कैलंगेट बीच, बागा बीच है सारा कुछ, तो वहाँ घूमेंगे। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। मैंने वो सारा कंबाइंड पैकेज ले लिया। वो क्या होता है, जेट स्की, पैरा सीलिंग, पैरा ग्लाइडिंग है ना, वो सब मैं सब करेंगे। बोला यार तू तो फौजी है, तू मतलब इन सब चीज़ों को कैसे मतलब इंजॉय करता है। तो मैं गया, दिल होना चाहिए, जवान उम्र की रखी है, मतलब मेरा भी दिल जवान है। आई ऑल्सो लाइक ऑल दीज काइंड ऑफ एडवेंचर। तो एंड आई लाइक कि जो सिंगल सिंगल वो वाली बोट होती है, तो मैं तो उस पर बैठूंगा जिसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। एंड वो डर रहे थे, नहीं यार ये तो बहुत खतरनाक है। देन वी हैड पैरा ग्लाइडिंग, ऊपर चढ़ गए हम लोग। तो वहाँ से वापस आए तो आई टोल्ड देम कि मैं कह मैं आई एल हैव अ रेड स्नैपर, मतलब मैंने फिश का बहुत शौक है, मतलब आई लव टू ईट फिश। मैं किलो किलो डेढ़ डेढ़ किलो फिश खा जाना। एंड लाइक यार तू मतलब तू तो यू शुड बी अ मेच्योर्ड गाय है ना, तो तेरे को मतलब ऐसे ऐसे इतनी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना अच्छा थोड़ी लगता है। मैं कह यार मैं फौज तो होने ज्वाइन की है, मतलब पैशन एडवेंचरस तो मैं बचपन से हूँ, तो उसका मेरी वो प्रोफेशन से क्या लेना देना। तो दे वर लाइक वेरी स्टंड कि यार मतलब फौजी ऐसे भी होते हैं कि इतने दिलदार, इतने पैशनेट, इतनी एनर्जी दिखाने वाले। सो फिर घर आके वो लोग थक तो गए, आके सो गए। एंड आई लाइक चलो यार अब नाइट वॉक पे चलते हैं, मतलब इतने अच्छे तारे सितारे हैं ना भाई, तू फौजी है ऐसी फौजी नहीं है। तो इट वॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो दोस्तों के साथ तो वैसे भी मज़ा हमेशा आता ही है, बट इसमें कुछ ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज आई कुड शो माई यू नो इनर साइड टू देम। इतनी है।